हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम फाउंडेशन के जो बूस्ट हैं उसको रिमूव करेंगे, उसकी जगह हम नया बूस्ट इंसर्ट करेंगे। इसके लिए एक बूस्ट लेना है हमें और एक टूल आता है, इसको इस बूस्ट के अंदर इंसर्ट कर लेना है। देन जो हमारा टूल है उसको अंदर की साइड से इंसर्ट करना है। जो हमारा बोल्ट है जिसमें हमने बूस्ट लगाया उसके अंदर, उसको अंदर की साइड से इंसर्ट करना है और कुछ इस तरीके से इसको इंसर्ट कर लेना है। देन जो पुलर है उसको बाहर से की साइड से ये इस तरह से लगाना है और ये वॉशर आ जाएगा, उसके बाद एक नट आएगा। देन हमें इस नट को टाइट कर लेना है और जो हमारा नया वाला बूस है वो इंसर्ट हो जाएगा और जो पुराना बूस है जो डैमेज है वो बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको टाइट कर लेना है, धीरे धीरे इसको टाइट करना है तो हमारा जो बूस है वो ईज़िली इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हैमरिंग का प्रयोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बेकार होता है और जो इस फाउंडेशन को डैमेज कर सकता है हैमरिंग का प्रयोग करके। इसमें हम इजी वे में इसको इंसर्ट कर लिया जाता है, बहुत अच्छा टूल है ये इस तरह। और हम धीरे धीरे इसको टाइट करते जाएंगे और हमारा बूस्ट इंसर्ट होता जाएगा और हमने बुश को इंस्टॉल कर लिया है। अब जो नट है उसको रिमूव करना है वहाँ से और जो पुलर है उसको निकाल लेना है कुछ दिखाए गए तरीके से। और ये पुराना वाला बुश है जो काफ़ी डैमेज हो चुका है, इसकी रबर कट चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन का कारण बनता है गाड़ियों में। और कुछ इस तरीके से हमने बूस्ट को इंस्टॉल कर लिया बहुत इजी वे में, न कोई हैमरिंग का प्रयोग। तो गाइस वीडियो में यही था, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय।